कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। देश भर में महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, जिससे आम लोगों की जेब का बजट भी बिगड़ गया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, फल सब्जियों के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी आसमान पर है। बीते 2 सालों में कोरोना के चलते करीब 5 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए हैं, वहीं और अब महंगाई की उन पे मार भी पड़ रही है। अब सरसों तेल की कीमत भी 7वें आसमान पर है। अब सरसों का तेल 168 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि 20 जनवरी से पहले 163 रुपये था। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सरसों की नई फसल आने तक कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, जबकि सोयाबीन तेल के भाव में तेजी आने का कारण मांग अधिक होना व बाहर से आने वाले कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होना बताया जा रहा है। बीते 15 दिनों के अंदर यदि तेल की कीमत पर नजर डालें तो 20 जनवरी के पूर्व जो बेलकोहलू ब्रांड सरसों तेल 163 रुपये प्रति लीटर के भाव पे बिक रहा था, अब वह 168 रुपये पहुंच गया है। इसी तरह फॉर्च्यून तेल 160 से बढ़कर 170 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सोयाबीन तेल भी 134 से बढ़कर 140 रुपये लीटर हो गया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि 15 जनवरी से तेल के भाव में तेजी आनी शुरू हुई है। इस बीच तेल के मूल्य में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। बता दें कि अक्टूबर नवंबर में सरसों व सोयाबीन तेल के भाव में अधिक तेजी थी। जनवरी आते आते सरकार द्वारा आयातित खाद्य तेलों के शून्य किए जाने व वायदा कारोबार पर रोक लगाने के आदेश के साथ ही मूल्य में 17 से 22 रुपए लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। फिर भी सरसों तेल उच्चतम कीमत से करीब 30 से 40 रुपए प्रति लीटर सस्ता बिक रहा है। कंपनियों को सरसों की उपलब्धता कम होने की वजह से भी सरसों तेल के भाव में तेजी आई है। इसके अलावा शादी ब्याह की वजह से आपूर्ति के अपेक्ष मांग अधिक होना भी मूल्य वृद्धि का कारण बताया जा रहा है। इस बार सरसों की पैदावार अच्छी भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।